तो दोस्तों ऑलमोस्ट चारा बनके तैयार हो चुका है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो इसे हुक में लगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको एक मछली का शिकार करके भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक मछली छोटी सी आ गई है। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि यह बेट कितना कारगर है। नमस्कार दोस्तों, नेचर इंडिया स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों बारिश तो लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब भी ताल पोखरों में पानी की कमी नहीं है और नदी भी अभी भरी हुई है। तो ऐसे में जो मछलियों का शिकार करते हैं, जो कांटे से मछलियां पकड़ते हैं, उन्हें मछलियां पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अच्छी चराई और चारे के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे चारे के बारे में बताऊंगा, जिससे आप ज़्यादा पानी में भी बड़ी बड़ी मछलियों का, जैसे रोहू, ग्रास, कामन, कतला, इन सभी मछलियों को बहुत ही आसानी से पकड़ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम जानते हैं कि उस चारे को कैसे बनाना है, जिससे बड़ी मछलियों का शिकार आसानी से किया जा सके। तो दोस्तों चारा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा गेहूं का आटा। इसको आप स्किप नहीं कर सकते किसी, क्योंकि इसी से चारा बनने वाला है। इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं, लेकिन आप जितना चाहें तो आप गेहूं का आटा ही लें। देखिए हमने 50 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। अब आप इस मात्रा को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार जो चीज़ पड़ने वाला है इसी के अनुसार पड़ेगा इसमें। तो 50 ग्राम लिया हमने। अगर आपको ज़्यादा चारे की आवश्यकता होगी तो आपको ज़्यादा आटा लेना होगा। इसके बाद हम लेंगे, ये देखिए एक कपिला पशु आहार है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से कपिला पशु आहार आता है। अगर इस ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप खली का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास है तो आप इसी का यूज करें। इस कपिला पशु आहार को हमें सबसे पहले बारीक कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से बारीक कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसे बारीक कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे बारीक कर लिया है। अब अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो हमने 8 से 9 दाने इसके लिए थे। तो अगर आप 50 ग्राम आटे में बनाते हैं तो आपको भी 8 से 9 दाना लेना है, लेकिन अगर मात्रा को आप बढ़ाते हैं आटे की तो इसको भी बढ़ाता है होगा आपको। तो देखिए अब इसे हमें डायरेक्टली इसमें डाल देना है। उसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि गीला होने के बाद ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें जो चीज़ लेना है वो है हींग वाला पानी। तो ये देखिए, हमने हींग वाला पानी बना के पहले से ही रखा हुआ है। इसी हींग वाले पानी से हम इसको गूंथने वाले हैं। तो अगर आपके पास हींग वाला पानी नहीं है तो इसे मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि हींग वाला पानी बनाया कैसे जाता है। तो उस तरीके से आप हींग वाला पानी बना करके इस चारे को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंथ के तैयार करेंगे। ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालना है। अगर आप हींग पहले डाल देते हैं आटे में तो आप सादे पानी से भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हींग वाला पानी बना हुआ है तो आप हींग वाले पानी का ही यूज करें। इससे चारा ही बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बहुत गीला लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में गीला है नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो कपिला पशु आहार के दाने डाले हैं, जब उसमें पानी जाएगा तो इसका गीलापन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें इसे तब तक ऐसे गूंथते रहना है जिससे हमारा चारा जो बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हो। तो इस तरीके से हम इसको करते रहेंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट चारा बनके तैयार हो चुका है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि देखिए यह किस तरीके से आपस में मिक्स हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी मिक्स करना है, उसके बाद इससे शिकार करना है। लेकिन शिकार कहाँ आपको करना है, वहाँ आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले चराई फेंकनी होगी, तभी यह चारा काम करेगा। और दोस्तों चराई वाला वीडियो मैंने पहले से ही बनाकर अपलोड किया हुआ है, तो आप चैनल प्लेलिस्ट से जा करके उसको देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ से आप भी देख सकते हैं। तो ये देखिए चारा बन चुका है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे हुक में कैसे लगाना है। तो इसे हुक में लगाना बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको इसको हुक में लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक मीडियम साइज़ वाला हुक ले लिया है, लेकिन अगर आपको शिकार लगातार करना है तो आपको छोटे साइज़ वाले हुक का प्रयोग करना होगा। हमने मीडियम साइज़ वाला हुक ले लिया है, क्योंकि मुझे बताना है कि आपको इसमें हुक में बेट कैसे लगाना होता है। देखिए इसके लिए हमें छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसे कुछ इस तरीके से बना लेना है। देखिए इस तरह से कर लेना है, उसके बाद इसे हमें इस तरह से लगा देना है हुक में।
हुक छोटा रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे शिकार आपको लगातार होगा। ये देखिए इस तरीके से हम हुक में बेट को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हुक में चारा लगाना होता है। मैंने आपको चारा भी बता दिया है और चराई भी बता दी है। चलिए इससे मैं आपको एक शिकार करके भी दिखाता हूँ कि इससे मछलियाँ पकड़ती हैं वास्तव में कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग तालाब पर आ चुके हैं, बेट भी लगा हुआ है। अब चलिए बेट को डालते हैं और देखते हैं कि कोई मछली इसे पकड़ती है या नहीं। चलिए बेट को डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, मछली लेकर जा रही है लेकिन आई नहीं कोई मछली। इस तरह से देखिए, चारा को पूरा खा ली है लेकिन अभी आई नहीं है। चलिए दोबारा से इसमें बेट लगाते हैं, उसके बाद दोबारा से डालते हैं इसमें। देखिए बेट वही है। ये देखिए दोस्तों, दोबारा बेट लग चुका है। चलिए दोबारा इसमें डालते हैं तालाब में इसे। दोबारा बेट लग चुका, कोई मछली खा भी रही है। इस तरह से देखिए दोस्तों, एक मछली छोटी सी आ गई है। ये देखिए, छोटी सी कॉमन कार्प की मछली आ गई है। ये देखिए। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि यह बेट कितना कारगर है, या इसमें जो है मछलियां तुरंत आ रही हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एक चारा भी बताया और उस चारे से मछली का शिकार करके भी दिखाया कि वह चारा कारगर है या नहीं। तो इस तरीके से आप भी शिकार करिए। हम लोग भी जितना चारा बनाए हैं उससे शिकार करेंगे, उसके बाद हम लोग भी घर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।